हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं LST वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके चलना अगर आप नए आए हो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आपको इससे रेगुलर अपडेट मिलेंगी फ्री में, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप चैनल का मज़ा उठा सकते हो। क्लास 12th की फिजिक्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो भैया, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कैपेसिटर इन पैरेलल। आज मैं सारी जानकारी दूंगा कैपेसिटर इन पैरेलल के अंदर। और अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ उसको देखें, वो है कैपेसिटर इन सीरीज। ओके, तो जैसे कि आपको याद है जब कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल होते सीरीज में होते हैं तो इस तरीके से अरेंजमेंट हम बनाते हैं। और नॉर्मली जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो नॉर्मली 1/CS क्या होता है आपका, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इससे फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में ऐड करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। चलो भाई, तो अब आगे हम करते हैं। आज सपोज करो हमारे पास है कैपेसिटर, नॉर्मली इस तरीके से हमने उनको एक अरेंजमेंट बनाई है, और ये आपकी बैटरी लगा दी मैंने नीचे, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो बेसिकली इस तरह की अरेंजमेंट में टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, तो ये आज हमें इम्पोर्टेंटली देखना है और समझना है अच्छे तरीके से। भैया नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर कमाएंगे तो हो सकता है कि आपके घर वाले आपको मारें और पीटें। इससे बचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलो बच्चों आज पढ़ते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, तो भैया सबसे पहले मेरे पास मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं जो कि मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनको इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से मैं इनके बीच में मैंने एक सोर्स ऐड किया है पोटेंशियल का V। अच्छा, अब यहाँ से आपका करंट जाएगा, ठीक है, जिसको हम चार्ज सपोज कर सकते हो। चार्ज अगर यहाँ से ट्रांसमिट होगा तो क्यू चार्ज ट्रांसमिट होगा, लेकिन जब वो इस पॉइंट पे आएगा यानी ए पॉइंट पे आएगा तो चार्ज के 3 टुकड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो ये वाला जो होगा Q1, ये वाला होगा Q2, ये वाला होगा Q3। याद रखें पैरेलल के केस में चार्ज डिफरेंट होता है, सीरीज के केस में चार्ज एक रहता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट लर्न कर लिया ना तो समझ लो कैपेसिटर की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ गई आप उसे उड़ा दोगे। ठीक है, ओके, तो पहले वाला कैपेसिटर C1 है, सेकंड वाला कैपेसिटर C2 है, और जो थर्ड कैपेसिटर है वो C3 है। ठीक है, और अगर आपने V पोटेंशियल दिया है तो याद करो बच्चों, आपको हमने 10th क्लास जब तुम छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे 10th क्लास में क्या पढ़े हो कि पैरेलल के केस में कैपेसिटर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो C1 को V का पोटेंशियल मिलेगा, C2 को भी V मिलेगा, C3 को भी V मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। Q = Q1 + Q2 + Q3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, तो भाई अब Q की वैल्यू क्या है ज़रा बताओ। Q की वैल्यू है आपकी CP × V, ये हमारी Q की वैल्यू है। अच्छा, CP क्या है, CP है आपका टोटल कैपेसिटेंस है इन पैरेलल। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, Q1 की वैल्यू कितनी है ज़रा बताओ। Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V। Q2 की वैल्यू कितनी है ज़रा बताओ, Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2V। Q3 की वैल्यू कितनी है ज़रा बताओ, C3V। ये चार्ज है आपका फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर, ये Q2 चार्ज है आपका सेकंड के अंदर, और Q3 चार्ज है वो आपका थर्ड कैपेसिटर के अंदर है। और जैसे कि आपको पता है आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, Q = Q1 + Q2 + Q3। तो भाई साहब वैल्यू डाल दो और मौज लो जिंदगी के। CP = V हो जाएगा, C2V एंड C3V। ठीक है, इधर से V कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा C1 + C2 + C3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो CP क्या बचा, C1 + C2 + C3। तो भैया ये आपका रिजल्ट है।
और ये कहता है कि अगर आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, सपोज करो ये मेरे पास तीन कैपेसिटर है, नॉट इन सीरीज बट इन पैरेलल, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। इस तरीके से तीन कैपेसिटर हैं मेरे पास, ठीक है, और तीनों के तीनों पैरेलल हैं। एक होता है 2 माइक्रोफेराड, दूसरा है 3 माइक्रोफेराड और तीसरा है 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। तीन अलग अलग कैपेसिटर हैं आपके पास, तो इनका टोटल कितना होगा जरा बताओ। Cp इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, जरा बताओ कितना होगा, ये होगा 9 माइक्रोफेराड, याद रखो। तो एक्चुअली में इन तीनों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2, 3 और 4 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर का जो वैल्यू था वो 4 है, लेकिन पैरेलल के केस में जो टोटल निकल के आया है वो लार्जेस्ट से भी बड़ा है। आई बस समझ में, मतलब तीन कैपेसिटर हैं आपके, पहले वाला कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड, सेकंड वाला कैपेसिटर आपका 3 माइक्रोफराड और तीसरे वाला कैपेसिटर कितना है, 4 माइक्रोफराड। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 माइक्रोफराड है ना, लेकिन आपका टोटल कैपेसिटेंस जब वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो वो सबसे भी बड़ा हो, सबसे बड़ी वैल्यू का भी बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पैरेलल के केस में आपका टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सीरीज के केस में टोटल कैपेसिटेंस घट जाता है। अरे बात आ रही है समझ में? तो भाई बात ऐसी है कि इनका डेरिवेशन पेपर में नहीं आता है, बस आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई सीरीज के केस में क्या होता है। तो सीरीज के केस में क्या होता है ज़रा बताओ, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और पैरेलल के केस में क्या होता है ज़रा बताओ, Cp इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। तो भैया ये आपके रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो सीरीज वाला जो टॉपिक है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, और इस वीडियो में मैंने बताया है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो भैया न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके से आप ट्रीट करोगे। जैसे सपोज करो आपके पास इस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट बना दी, ये ए है और दिस इज बी। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है CAB। ये मैंने बोल दिया 2 माइक्रोफराड, ये मैंने बोल दिया 2 माइक्रोफराड, सिंपलिसिटी के लिए ले लेता हूँ, ये मैंने बोल दिया 2 माइक्रोफराड। तो अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि भैया ये सीरीज में है या पैरेलल में है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर दी, ठीक है, इधर मैंने एक बैटरी अटैच कर दी, ओके बैटरी अटैच कर दो, सेल अटैच कर दो, यहाँ से आपका क्यू चार्ज गया, ठीक है, तो इधर भी क्यू चार्ज होगा और इधर भी क्यू चार्ज होगा, इधर भी क्यू चार्ज होगा और इधर भी क्यू चार्ज होगा। क्या तीनों कैपेसिटर के अंदर सेम चार्ज आएगा? बिल्कुल, आंसर बिल्कुल है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज आ रहा है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है। इट मीन्स ये पैरेलल नॉट पैरेलल, ये सीरीज का केस है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 विच इज़ 1/CS, और CS कितना है ज़रा बताओ, 2/3, जो कि हो जाएगा आपका 0.6 माइक्रोफराड। तो भैया इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अच्छा और करते हैं, और बताता हूँ आपको, जैसे मान लो इस तरीके से अरेंजमेंट अगर दे तो कैसे करोगे, इस तरीके से अगर अरेंजमेंट दे तो सपोज करो जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आपको CAB के इक्विवेलेंट निकालना है, CAB के इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, सारे के सारे आपके 2-2 हैं, तो कैसे करोगे। तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ से जब आपका चार्ज जाएगा तो चार्ज के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो चार्ज इसके अंदर जाएगा वही चार्ज इसके अंदर जाएगा, सपोज करो इसके अंदर यहाँ से चार्ज आपका एंटर किया Q, तो यहाँ Q1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। तो Q1 चार्ज इसमें भी Q1 है और इसमें भी Q1 है, तो इन दोनों के अंदर सेम चार्ज एंटर करेगा, ऐसे ही Q2 चार्ज इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर भी Q2 चार्ज जाएगा, तो इन दोनों के अंदर सेम चार्ज जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि ऊपर वाले ये दोनों के दोनों क्या हैं, सीरीज में, नीचे वाले ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो कैसे करोगे जरा बताओ, तो इसका एक बार निकाल देते हैं, 1/CS इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2 विच इज़ 1, ठीक है। अच्छा CS की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ऐसे CS डैश की निकाल लेना, वो भी आपकी 1 आएगी, ठीक है। तो फिर ये जो अरेंजमेंट है वो आपकी ऐसे बन जाएगी भाई,
ऐसे बन जाएगी अरेंजमेंट आपकी। सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये भी 1 माइक्रोफराड आया और ये भी 1 माइक्रोफराड आया। अच्छा अब बता दो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल का केस है। सही पहचाने हो, सी ए बी पैरेलल का केस बता दो जल्दी से। 1+1 डायरेक्ट ऐड होता है, 2 माइक्रोफराड इज द आंसर। ठीक है भैया, तो भैया एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद जल्दी जल्दी में आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो कहने वाली बात ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और फिर इनका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कुछ ऐसे, ये हो गया कुछ ऐसे, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बैठे बैठे क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ऐसे बनाने आ जाएंगे आपको भी क्वेश्चन। बड़े सिंपल है, 2-2 मान लेते हैं सबको। तो ज़रा बताओ, यहाँ से आपका चार्ज चला Q, ठीक है। अच्छा इसके अंदर Q जा रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो चार्ज इसके अंदर गया तो इट मीन्स यहाँ से जो चार्ज गया तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा आपका Q1, इसके अंदर क्या चला जाएगा, Q2। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल का केस है, याद रखना बच्चों। ये दोनों आपस क्या हैं, पैरेलल का केस है। तो भैया इनको आप पैरेलल लेके और उसका सीरीज में ले लेना। तो इस तरीके से भैया क्वेश्चन आते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो है कैपेसिटर इन सीरीज पहले कराया था, इसमें कैपेसिटर इन पैरेलल कराया है। आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और बस अपने अपने भाई का जो चैनल है उसका जो लिंक है दोस्तों तक भेजना। बस यही काम है, अपने माँ बाप से प्यार करना, देश से प्यार करना, और भैया बस सब्सक्राइब भी करते रहना, सब्सक्राइब की धूम मचा यार। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कि कोई भी कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, अपना कैपेसिटर भी खत्म हो जाएगा। तो 2 चैप्टर हम फिनिश कर देंगे यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पर, और फिर हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो देखते रहिएगा, कीप वॉचिंग LST वीडियो। और भाई भाई प्लीज सपोर्ट कर दो यार थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच।